नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। सोशल मीडिया पर तमंचा पिस्टल हाथ में लिए युवक का फोटो वायरल हुआ है। अवैध हथियारों के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाल ही में आगरा पुलिस ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की है। थाना सिकंदरा क्षेत्र के ककरेठा गाँव का ये युवक बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए बजट सत्र पर सरकार को घेरने की कोशिश की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित करने की सरकार पहले घोषणा कर चुकी थी, लेकिन अब गैरसैंण में बजट सत्र नहीं किया जा रहा है। आप सरकार ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार अनाप शनाप घोषणाएं करती है। सरकार को गैरसैंण में खर्च का हिसाब देना चाहिए। गैरसैंण का डंका पीटने वाली सरकार अब गैरसैंण में सत्र आयोजित कराने से पीछे हट रही है। इसके लिए सरकार को प्रदेश की जनता को जवाब देना चाहिए। बनाकर अंत में श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बजट सत्र देहरादून में ही आयोजित करने का फैसला किया। बड़े बहाने बनाए गए गैरसैंण में जाने के। दो ऐसे महारथी जो अपने को राज्य आंदोलन का पुरोधा कहते हैं, उन्होंने चार धाम यात्रा के संचालन का बहाना बनाकर गैरसैंण में सत्र न होने की वकालत की। उत्तराखंड का दुर्भाग्य देखिए कि जिस गैरसैंण को भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया था, उसमें विधानसभा का ग्रीष्मकालीन सत्र आयोजित करने की घोषणा करने के बाद सरकार ने उस सत्र को गैरसैंण में न करने की घोषणा कर दी। इस बात से एक बात तो साफ होती है कि सरकार में जो लोग बैठे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर के और पूरी नौकरशाही, वो चीज़ों को समय पर समझ कर करने के बजाय अनाप शनाप घोषणाएँ करने के बाद उनको रद्द कर रही है। एक तरफ गैरसैंण में सत्र करने का घोषणा के बाद वहाँ पर व्यवस्थाओं के लिए टेंडर करके जो धनराशि का दुरुपयोग हुआ उसका जवाब कौन देगा। लेकिन कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में टीवी सीरियल निर्माता जमा हबीब उर्फ बेदुम्मा ने उपन्यासकार रूपनारायण सोनकर ने 60 लाख का मुआवजा देने का मुकदमा न्यायालय एडीजी देहरादून की अदालत में दाखिल किया है। चर्चित उपन्यासकार नाटककार रूपनारायण सोनकर ने अपने उपन्यास डंक संग्रह समाजद्रोही का एक नाटक छल नीति की कहानी, थीम और पात्र चोरी करके सुपरहिट टीवी सीरियल निम के मुखिया बनाने का आरोप निर्माता निदेशक जमा हबीब उर्फ बेदुजम्मा पर लगाया है। तेज रफ्तार अंतर ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत हो गई। सड़क किनारे पेड़ से टकराकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रैक्टर से बारात वापस आते समय हादसा हुआ। ग्रामीणों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। जरिया थाना क्षेत्र का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं सुधर रही हैं। वार्ड बॉय मरीजों को लूटने वाले दलाल बन गए हैं। परिजन मरीजों को लेकर दर दर भटकने को मजबूर हैं। पहले भी कई बार लापरवाही को लेकर जिला अस्पताल चर्चा में रह चुका है। नोटिस मिलने के बावजूद भी वार्ड बॉय नहीं सुधर रहे। खेत से चारा लेकर घर जा रही युवती को सांप ने काट लिया। सांप के काटने के आधे घंटे बाद घर पहुंची युवती बेहोश होकर गिर गई। गंभीर हालत में परिजनों ने युवती को जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में इलाज के बाद किशोरी की हालत में सुधार आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी समीक्षा बैठक हुई है। सभी डीएम, एसएसपी, एसपी समीक्षा बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक हुई। कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई है। साथ ही साथ कानपुर में हुए दंगे को लेकर भी चर्चा की गई है। सभी पुलिस कमिश्नर, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हुए। सीएम योगी ने प्रदेश स्तरीय कानून व्यवस्था की समीक्षा की। आगरा पुलिस जनता को लूटती भी है, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और पैसा न देने पर एनकाउंटर की धमकी भी देती है। थाना एतमादौला क्षेत्र के फाउंड्री नगर चौकी इंचार्ज रहे नीलकमल चौधरी और दो सिपाहियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। हाथरस के बिसाबर कस्बे के रहने वाले दो भाइयों को गंठू बंधक बनाए जाने, पैसे और चांदी लेकर छोड़ने का आरोप इन दोनों सिपाहियों पर लगा है। मिनी ट्रक और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। दो घंटे तक सड़क पर खाल तड़पते रहे। दो घंटे सड़क पर दोनों का दर्दनाक मौत हो गई और शव यूं ही पड़
पड़े रहे। बाइक सवार बेटा और माँ भी घायल हुए हैं। ट्रक में सवार तीन लोग भी पूरी तरह से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना महाराजगंज अंतराय के साहिब नगर की घटना है। बलरामपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक मौलाना पर विषाक्त पदार्थ खिलाने का आरोप लगा है। जिला अस्पताल से लखनऊ के लिए जाते समय मौत हुई है। मौलाना और बेटी के रिश्तों से नाराज चल रहा था पिता। परिजनों के मुताबिक मौलाना ने रास्ते से हटाने के लिए युवक की हत्या की है। घटना की जाँच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। थाना पचपेड़वा के पुरानी बाजार की घटना बताई जा रही है। यूपी के गोंडा जिले में शनिवार को भाजपा द्वारा गरीब कल्याण योजना लाभार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम में विशेष अतिथि राज्य मंत्री अरुण सक्सेना भी पहुंचे। मंत्री अनिल राजभर ने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। हरदोई पहुंचे भारतीय सूर्यदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिए हैं और बयान जो है वो आग उगलने वाले हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सरकार ने नुपुर शर्मा उनके सहयोगी नवीन जिंदल पर कार्रवाई कर दी होती, मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया होता तो जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई हैं वो नहीं होती, क्योंकि घटना की शुरुआत वहीं से हुई है और सरकार ऐसे लोगों को बचाने में लगी हुई है। इतना जरूर है उन्होंने केशवदेव मौर्या जी ने एक नारा दिया था, महान दल ने उठाना है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। हमारी मुलाकात हो जाएगी उनसे तो सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा वही तो जानना है। सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जाएंगे कहा? चलेगा नहीं भाई, नाराज होकर के जब घर से कोई नाराज होकर जाता है तो फिर उसको मनाने वाले लोग नहीं लगते हैं। कब तक मान जाएंगे? मान जाएंगे जल्दी जब चुनाव आते हैं। क्या है मामला, क्या है उनका, क्यों नाराजगी क्यों है, कुछ आपसे बात हुई होगी क्या? नहीं देखिए, नाराजगी आदमी अपनी क्षमता से ज्यादा जब सोचने लगता है तो नाराजगी बढ़ती है और कोई बात नहीं है। हम 10 जिले में अपना संगठन चलाते हैं तो हम 10 जिले की ही बात करें, हम पूरे प्रदेश की बात नहीं करें। ओम प्रकाश राजभर तुलना करने लगे मायावती जी से, तुलना करने लगे अखिलेश जी से, तुलना करने लगे योगी जी से, तो ये तो ओम प्रकाश राजभर की कमजोरी है। और अब खबर लक्सर से, जहां इस बार पालिका क्षेत्र को बरसाती पानी से होने वाली जलभराव की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए पालिका प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी के मद्देनजर बरसात का मौसम शुरू होने से पहले लक्सर नगर पालिका प्रशासन नगर क्षेत्र में सफाई अभियान शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ पालिका आईओ सुरेंद्र कुमार का कहना है कि सफाई अभियान लगातार जारी है, सभी नालों नालियों की सफाई पर पूरा फोकस है, अगले एक सप्ताह के भीतर सफाई टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।